साल के बाद एक बार फिर से मैं त्रिपुरा में हूँ और मेरे साथ हैं त्रिपुरा के यंग एंड डायनेमिक चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देब। बिप्लब जी, डीडी न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिप्लब का मतलब होता है रेवोल्यूशन, क्रांति, और सीएम के साथ साथ इनके पास संस्कृति का भी प्रभार है। आज हम बात करेंगे संस्कृति, और संस्कृति से जुड़ा है पर्यटन। पूर्वोत्तर में फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन फेस्टिव सीजन के साथ ही चैलेंजेस भी बहुत हैं। कोविड आ गया है, न्यू नॉर्मल है, उसको कितना बड़ा आप चैलेंज देखते हैं? कोई एक बड़ा सेक्टर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है बुरी तरह, वो टूरिज़्म है, क्योंकि घर से ना निकलना, भीड़ में नहीं जाना, ये सब पाबंदी है। तो उस कारण से जब मैं घर से निकल ही नहीं सकता, मैं दूसरे स्टेट में जा नहीं सकता, मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, तो अपने आप टूरिज़्म सेक्टर में बहुत बड़ी नुकसान हुई है, क्षति हुई है पूरे देश ने, पूरे दुनिया भर में। तो इससे त्रिपुरा भी बचे हुए नहीं है। ऐसे आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारे नए सरकार आने के बाद त्रिपुरा में जो टूरिस्ट आती थी, चाहे वो फॉरेन टूरिस्ट हो और हमारे देश के लोग हो, लगभग डबल, दोगुना से ज़्यादा टूरिस्ट बढ़ी थी। और साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ नए डेस्टिनेशन जिसको हमने डेवलप्ड किया, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो टूरिज़्म की होती है, इसका प्रचार प्रसार, लोगों के पास बात जाने चाहिए आपके यहाँ क्या क्या है, उसके जानकारी ही नहीं होगी और इसको सही तरीके से आप प्रस्तुति नहीं करेंगे तो आपके पास लोग कैसे आएंगे त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा सरकार ने उस दिशा में काम किया है, और हमने जो त्रिपुरा के जो एक ही एयरपोर्ट है, अगरतला एयरपोर्ट, आपने देखा होगा एक नया टर्मिनल तैयार हो रहा है और कम्प्लीटली मॉडर्न टर्मिनल है ये। तो ये कोविड के कारण से देरी हुई, किंतु जनवरी के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगी। तो किसी स्टेट के टूरिज्म को डेवलप करने के लिए सबसे बड़ी जो माध्यम होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशंस, एक्सेसिबिलिटी। नॉर्थ ईस्ट में सबसे बिजिएस्ट जो एयरपोर्ट है गुवाहाटी है, उसके बाद त्रिपुरा है। हमारे सरकार आने के बाद ही दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट आना शुरू हुई। एक समय ऐसा बताया जाता था जो दिल्ली से फ्लाइट फुल हो नहीं सकता, हाफ भी नहीं होगी, किंतु मुझे आपको बताने में खुशी हो रही है, जब से ये फ्लाइट, डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई है, वो सभी समय 90% फुल बुक होकर आती है। विप्लव जी, मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि पैंडमिक के बावजूद मैं दिल्ली से सफ़र किया है डायरेक्ट फ्लाइट में, और कम्प्लीटली पैक था वो फ्लाइट। ऐसे में भी लोग आ रहे हैं त्रिपुरा, और वो चाहे टूरिस्ट हो, लोकल टूरिस्ट हो, बाहर के टूरिस्ट हो, तो ये एक डेफिनेटली बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि डायरेक्ट फ्लाइट हमें मिल गया, एक्सेसिबिलिटी का आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है। आपका जो टैगलाइन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, त्रिपुरा वेयर नेचर मीट्स कल्चर, प्रकृति और संस्कृति का मिलन। ये आपको कितना बूस्टअप देता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पूरा ही बहुत खूबसूरत है, आपके जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनसे कॉम्पीट करने में, क्योंकि एक बिल्कुल ही डिफरेंट टैगलाइन है जो आपको आपके रूट से जोड़ के रखता है। देखिए, कोविड-19 के कारण से बड़े बड़े सिटी में जो टूरिस्ट जाते थे उनका आना जाना कम हो गई है। जितना ज़रूरत है बिजनेस के लिए, जीवन जीने के लिए, उतना ही बड़े सिटी में हम लोग जा रहे हैं। एक समय ये थी, वह होता ही है, बड़े सिटी देखने के लिए भी टूरिस्ट जाता है। मुंबई में 5 दिन रहना चाहता है, दिल्ली में 5 दिन घूमना चाहता है, चेन्नई में जाना चाहता है, कलकत्ता में जाना चाहता है। अभी वो टूरिस्ट वहाँ नहीं जाएंगे, तो कहाँ जाना पड़ेगा उनको?
ये नॉर्थ ईस्ट इसके लिए सेफ जगह है। कोविड-19 का भी प्रभाव नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम है, सेफ है। हमारे त्रिपुरा में भी आप देखिए, अप्रैल तक तो यहाँ एक भी केस नहीं थे। जैसे बड़े सिटी में से लोग यहाँ आए हैं 40,000 के आसपास, तब यहाँ कोविड-19 का प्रभाव पड़ा है। और आज भी त्रिपुरा में रिकवरी रेट 92.25% है, विच इज एक्सीलेंट। यानी डरने वाली बात नहीं है, आपको प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, इतना ही है। तो इसलिए किसी को डरने वाले, कोरोना का ये सब चलता रहेगा, किंतु इनके इसके आगे हम लोगों को निकलना है। कोरोना को देख के बैठे रहने से काम नहीं चलेगी। एग्जैक्टली। और त्रिपुरा के लोगों को इस बात को समझ में आई गया है। और आप ये जो 2.5 साल में त्रिपुरा का टूरिज्म में जो चेंज हुआ, आप देखिए, त्रिपुरा में कभी किसी ने सोचा नहीं जो त्रिपुरा के टूरिस्ट डेस्टिनेशन में गाइड होगी। मैं दिल्ली से जब कुतुब मीनार देखने के लिए गया हूँ, बा मैं आगरा ताजमहल देखने गया, तब टूरिस्ट गाइड मैंने जीवन में पहली बार देखा, क्योंकि त्रिपुरा में टूरिस्ट गाइड होती ही नहीं थी, क्योंकि टूरिज्म के कॉन्सेप्ट ही नहीं थे। इससे रोजगार किया जा सकता है, ये बड़ा इंडस्ट्री, ऐसा सोच ही नहीं थी। तो जब पहली बार मैं भी आगरा में गया था, तो जो टूरिस्ट गाइड उसके साथ भी एक मैंने फ़ोटो उठाया था, और आके त्रिपुरा में दिखाया था ये टूरिस्ट गाइड होता है। यहाँ के लोगों को, गांव के लोगों को पता नहीं टूरिस्ट गाइड, किस लिए टूरिस्ट गाइड चाहिए। बोले नहीं, वो बताता है, पूरा हिस्ट्री आपको समझाता है, और उसको मालूम है, और सही ढंग से एक्सप्लेन करता है, और ये एक रोजगार है, उसको मंथली इतना पैसा कमाई होता है, उससे वो परिवार पलता है। ये मैंने उस समय, ये 98 की बात है जी, और आज त्रिपुरा में मैं जो सपना देखा था उस समय, आज त्रिपुरा के बच्चे यहाँ टूरिस्ट गाइड देखता है, ट्रेंड हुआ है, और त्रिपुरा के गाइड बना हुआ है, और अलग अलग जगह पे देने के लिए आपके साथ जाता है, और 10,000 से 20,000 रुपया पर महीना कमा सकता है, कमाता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ वो एक एम्बेसडर भी है आपके कल्चर को प्रमोट करने के लिए। हाँ, दूसरी विषय जो सामने लेके आना, एक्सपोजर देना है। आप देखिए, अगरतला एयरपोर्ट से आप शाबरूम तक, बांग्लादेश बॉर्डर तक, जो फेनी नदी के ऊपर जो मैत्री ब्रिज हो रहा है, वहाँ तक डिस्टेंस कितना है? लगभग 140 किलोमीटर के आसपास है। और वहाँ से मैत्री ब्रिज से जो आपका कक्स बाजार का जो डिस्टेंस है, वो शायद 70 किलोमीटर के आसपास, तो जो बांग्लादेश में पड़ता है। हाँ, तो लगभग आपको 125 किलोमीटर के आसपास आपको जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिलेगी। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, मुझे लगता नहीं देश में कहीं भी इतने कम डिस्टेंस में इतना सारी डेस्टिनेशन आपको एक साथ मिलेगी। एयरपोर्ट में उतरने के बाद आपको इसी रोड में आप आगे आएंगे, उज्जैन तो पैलेस मिलेगी, इसी रोड में है जी, 2-4, 10 किलोमीटर के अंदर ही ये है जी। उज्जैन तो पैलेस में यहाँ के म्यूजियम है, इसमें यहाँ के राज, राजवाड़ा और त्रिपुरा के बारे में आपको पूरा जानकारी हो जाएगी। देन वहाँ से सेम रूट में आप आगे निकले तो आपको शिपाही जला का जू मिलेगी, इसमें जो चश्मा बादर है, स्पेक्टेकल मंकी, हाँ, वो सिर्फ त्रिपुरा के जंगल में ही होती है। बाकी आप किसी में उठा के ला के जू में रख दे वाला विषय, तो प्रकृति में के साथ जहाँ रहता है वो त्रिपुरा ही है, यह मैंने एक्सक्लूसिव त्रिपुरा का है। तो आप उस जू को उसी रास्ते में देख सकते हैं। इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे और 20 किलोमीटर दाहिने तरफ जाएंगे तो नीर महल देखेंगे, जो कि दो ही महल है, एक उदयपुर राजस्थान में, एक हमारे त्रिपुरा में। विप्लव जी, मैं राजस्थान से आता हूँ, जल महल हमारे जयपुर में है, उदयपुर भी है यहाँ पर, और एक बड़ा अच्छा मुझे लगा कि मुझे ऐसा लगा मैं अपने घर आ गया हूँ। और नीर महल में जिस तरह से जब मैं आया था इलेक्शन के दौरान, मैंने देखा था कि वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन आपकी सरकार आने के बाद जिस तरह से वहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, जिस तरह से उसको प्रमोट किया जाता है, एक्सेसिबल बना दिया गया है उसको, तो ये सारी चीज़ें थी तब आपके दिमाग में कि मैं किस तरह से डेवलप करूँगा? बिल्कुल,
बिना प्लान कभी भी कोई चीज़ सक्सेस नहीं होता है। तो जो मैंने आपको बोला जैसे निर्महल है, आपने उस समय भी निर्महल देखा जी, आज निर्महल का आसपास जो हमने बड़े ग्रुप को दे दिया 3-स्टार होटल के लिए, उसको डेवलप कर रहा है। जब तक आप रहने के लिए सुबंदोबस्त नहीं करेंगे, आपका टूरिस्ट प्लेस डेवलप नहीं हो सकता जी। उसको खाना, उनका रहना, उनको सेफ जर्नी, ये तीन चीज़ चाहिए, और सिक्योरिटी, इसका व्यवस्था किया। और आप अगले एक साल के अंदर देखेंगे जो 3-स्टार होटल वहाँ हो रही है, तो उसमें निर्महल से जो फिशिंग करके और उसके अंदर ये सब अलग 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 फिश की स्टॉल लगा रहेगा, और नेचुरल जो उठाएगा वो अपने आप इसको फ्राई करेगा, अब आपको जो भी बोलेंगे बना के आपको देगा, आप खाएंगे, ऐसा सिस्टम हम बना रहे हैं वहाँ। और कल्चरल हमारा जो डांसेस वगैरह है, लाइट शो है, ये सब वहाँ चलेगी, आपको 3 दिन यहाँ बिता सकते, इस तरीके से हम इसको तैयार कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप इसी रोड में थोड़ा बैक करके नेशनल हाईवे में उसी में आ जाइए जी, तो आने के बाद आप आगे जाएंगे तो आपको माताबारी का टेम्पल मिलेगी, 51 पीठ में से एक शक्तिपीठ है जी। और इसको हमने टेंडर प्रक्रिया सब कुछ हो चुकी है, 51 पीठ इसमें और भी 7-50 तो है, बाकी 50 गोल करके चारों तरफ से बनाएंगे। ये ओरिजिनल नहीं है, किंतु जैसे बाकी सब माता का पीठ है वैसा ही उन बनाया जाएगा, लोगों को कम से कम देख तो सकता है, क्योंकि ऐसा शक्तिपीठ बहुत सारी है, श्रीलंका में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, हम भारत देश में जो है हमारे देश में वो हम घूम के देख सकते, किंतु कभी कभी पाकिस्तान में जाना संभव नहीं होता, बांग्लादेश में जाना संभव नहीं होता, श्रीलंका में जाना संभव नहीं होता। तो वो सब का जैसे मंदिर वहाँ बना हुआ है छोटा करके चारों तरफ से ये बनाएंगे, लोग कम से कम देख तो सके मंदिर कैसा है, किंतु मेन शक्तिपीठ हमारा जो माता त्रिपुरेश्वरी का रहेगा। इस तरीके से इसको लगभग 100 करोड़ के आसपास लगा के हम उसको डेवलप कर रहे हैं, और उससे थोड़ा सा आप 20-25 किलोमीटर इस रोड में ही आप बाएं तरफ जाएंगे तो छबीमुरा मिलेगी आपको, छबीमुरा जो कि अमेजन जैसा आपको फील देता है, एक्चुअली अमेजन ऑफ त्रिपुरा अगर उसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, तो वैसा आपको मैंने 4-5 किलोमीटर आप बोटिंग कर सकते, अत्याधुनिक मॉडर्न बोट हमने लाया है इसमें, पहले नहीं थी, तो छोटे देशी बोट में जाना पड़ता, नौका में जिसको बोलता है, अभी हमारे पास जो मॉडर्न बोट है त्रिपुरा में आ चुकी है, तो उस बोट से आप जा सकते हैं छबीमुरा, और छबीमुरा के दोनों तरफ जो दुर्गा है, जो पुरानी मूर्ति है, उसको आप देख सकते हैं, जो कि देखने लायक। इसका एक्सपीरियंस मैंने लिया है, मैं अपनी टीम के साथ खुद छबीमुरा गया हूँ और स्पीड बोट के अंदर, और वो एक अलग तरह का एडवेंचर टूरिज्म भी देता है आपको स्पिरिचुअल टूरिज्म के साथ साथ। तो इसी रोड में जब दोबारा आके आगे निकलेंगे तो आपको पिला के निदर्शन मिलेगी, बौद्ध निदर्शन त्रिपुरा में है जी, कि ये त्रिपुरा पिला का, त्रिपुरा एक समय बांग्लादेश के जो कुमिल्ला कंटेनमेंट जोन है वो त्रिपुरा के पास ही था, तो वहाँ भी बौद्ध के स्थापत्य का निदर्शन है, जो कि जापानीज और बौद्धिस्ट कंट्री के लोग आते हैं, और हमारे यहाँ भी पिला के निदर्शन है, इसको देखने के लिए भी फॉरेन टूरिस्ट आता है। और साथ ही साथ शाबरूम में एक हमने प्रस्ताव को मंजूरी दिया है बौद्ध कल्चरल यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, क्योंकि साउथ एशिया से, पूर्व एशिया से सब लोग यहाँ के अपना कल्चरल आदान प्रदान कर सकते हैं, ऐसा हमने परमिशन हम लोगों ने सरकार की तरफ से परमिशन दिया है। और इससे आगे आप जाएंगे पिलाक के बाद, इसी सेम रोड में मैत्री सेतु मिलेगी, बांग्लादेश बॉर्डर मिलेगी, वहाँ आपको त्रिपुरा का वाणिज्यिक राजधानी शाबरूम तैयार हो रहा है 4 किलोमीटर में, ACZ स्पेशल इकोनॉमी जोन, ICP इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, लॉजिस्टिक हब, रेलवे वार्ड, पूरे वाणिज्यिक एक आपको दिखेगा तो नया बना हुआ। विप्लव जी मुझे बताया गया कि बहुत जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगा, मैं तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा हमारे लिए, ख़ासतौर से हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, यहाँ पर जो लोग हैं वो उनके पूर्वज वहाँ पर रहा करते थे, तो वो भी एक बड़ा बूस्टअप देगा। तो उसका नाम इसीलिए तो मैत्री ब्रिज रखा है जी, और ये ब्रिज फेनी नदी के ऊपर कंप्लीट होने के बाद दिसंबर के बाद, उस तरफ जो बांग्लादेश का रोड है वो चौड़ी नहीं है, तो उसके लिए भी भारत सरकार ने पैसा देके टेंडर करा दिया है,
वो रोड भी आपको एक डेढ़ साल में कंप्लीट हो जाएगी, चौड़ी रोड बन जाएगी बांग्लादेश की तरफ। वो पैसा भारत सरकार ने दिया और टेंडर करा के उस रोड को भी बनाने का एक बड़े भाई का भूमिका निभाई है भारत ने वहाँ पर। अब यहाँ तक जो टूरिस्ट आ चुके हैं मैत्री ब्रिज में खड़ा होकर छवि तो लो दो देश के मिडल में जी, तो वो एक फीलिंग आता है। एग्जैक्टली देन आप वहाँ से जब चलोगे कक्स बाजार के लिए, और कक्स बाजार है एशिया के लॉन्गेस्ट बीच है, तो वो देखना चाहते हैं पूरे एशिया के लोग देखना चाहते हैं। तो अब उसके लिए आपको बहुत बड़ी पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, आप त्रिपुरा में आ जाइए, दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट है, कलकत्ता से तो 2,500-1,500 रुपये में टिकट मिलती है, आप आइए और एक एक करके आपने जो शुरू हुआ लास्ट कक्स बाजार आप देखा जी, देखने के बाद दोबारा रिटर्न आप आ जाइए। तो ये जो 125 किलोमीटर के अंदर इतने सारे डेस्टिनेशन इंक्लूडिंग फॉरेन ट्रिप भी आपका हो जाएगा जी, ये मुझे लगता नहीं इतना कम डिस्टेंस में इतना सब कुछ मिल। तो ये सब कुछ टूरिज्म के लिए और बाकी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ रहा है। इसमें तो रोज़गार तो है ही आएगा, साथ ही साथ एक्सपोजर। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को लोगों ने सही ढंग से देखा नहीं, क्योंकि एक समय नॉर्थ ईस्ट के राज्य में एक्सट्रीम जो आपके इंसर्जेंसी ये सब थे उस कारण से टूरिस्ट नहीं आते थे। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य में इंसर्जेंसी अभी नहीं है जी। मेरे त्रिपुरा में तो PCP से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा पूरा विश्वास है जो अगले 5 साल टूरिस्ट के लिए नॉर्थ ईस्ट के सिवा विकल्प कुछ नहीं है। दूसरी बात, COVID-19 के समय आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑक्सीजन। यस, ये नॉर्थ ईस्ट के पास सबसे ज़्यादा, मेरे त्रिपुरा में भी 70% वनभूमि है, इसमें बड़े मात्रा में मूली बैम्बू होता है, बम्बू से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन निकलता है जी, और मेरे यहाँ बड़े मात्रा में है। तो प्योर सांस लेने के लिए, आपके लंच को साफ रखने के लिए, आपको जीवन को माने सटीक दिशा में लेके जाने के लिए और विशेष करके ऑक्सीजन के लिए आप नॉर्थ ईस्ट में आए, अपना जो प्योर ऑक्सीजन लीजिए, निजर खुद के जीवन को भी सुंदर बनाइए और नॉर्थ ईस्ट को देखिए। और नॉर्थ ईस्ट में खर्चा भी कम है क्योंकि छोटे छोटे स्टेट हैं। आपने आया तो 10 दिन में आप 8 स्टेट में घूम लिया, आपके पास 8 स्टेट के अलग अलग एक्सपीरियंस होगी। और भारत में ऐसे भी स्टेट है, बहुत बड़े बड़े स्टेट हैं जो कि 2 दिन लगता है उस स्टेट क्रॉस करने में। तो आपने कम समय में 8 राज्यों को देखना, 8 राज्य के कल्चर देखना, 8 राज्य के अलग अलग भाषाएं देखना, ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट अक्सर डिस्टर्ब रहता था, और अगर आप मेनलैंड की बात करें तो लोग किसी पूछें कि जनरल नॉलेज का सवाल होता था कि मिजोरम की कैपिटल क्या है, और अक्सर लोगों को कैपिटल तक नहीं मालूम होता था। एक्सेसिबिलिटी बहुत बड़ा इशू था, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा इशू था। तो ये जब आप डबल इंजन की बात करते हैं तो वो कितना फ़ायदा देता है, और आम लोगों के लिए जो कॉमन मैन है उसकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस लाते हैं? देखिए, केंद्र और राज्य सरकार एक ऐसा त्रिपुरा में बहुत सालों बाद उसका लाभ त्रिपुरा के लोगों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शंस के पहले बोला था मैं त्रिपुरा को हीरा दूंगा, H4 हाईवेज, R4 रेलवेज, I4 हाईवेज और A4 एयरवेज एयरवेज, ये सभी 2 साल में दे दिया माननीय प्रधानमंत्री। उसके प्लस दिया क्या, वाटर हाउस दिया जी, चिटागंग बंदरगाह खुल दिया, SOP हो गया। वहाँ से अभी चिटागंग बंदरगाह से हमारे यहाँ सामान आना शुरू हो गया है। सिर्फ एक तरफ नहीं, 3 तरफ जलपथ खोला उन्होंने। चिटागंग बंदरगाह से फेनी नदी का ब्रिज कंप्लीट होते ही सीधा ट्रक से आ जाएगी। एक दूसरा अभी जो हमारा आया है हल्दिया बंदर से 400 किलोमीटर होके चिटागंग बंदर में आया है, और बांग्लादेश से बाई रोड 210 किलोमीटर होके अगरतला में अखौरा में अभी हमने टेस्टिंग किया है। रेट भी कम पड़ा है, सामान आई है, रॉड और इसमें दाल आया है,
इसमें। तो एक तरफ उधर खुली है, एक तरफ अगरतला की तरफ से बाई रोड में उधर आ सकता है, और एक नदी के माध्यम से गोमती नदी में भी छोटा सा बारिश हमने लाया है बांग्लादेश से, और वो भी जो रोड है प्रोटोकॉल रोड बांग्लादेश होके वाराणसी तक वो प्रोटोकॉल रोड अप्रूव्ड है। एक तरह देखिए, एक समय त्रिपुरा के बारे में ये माना जाता है त्रिपुरा के सभी चारों तरफ बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर है त्रिपुरा जी सर, एक तरफ से आसाम लगवा है और मिजोरम का एक पार्ट। तो त्रिपुरा के बारे में यही कहा जाता था ये कभी डेवलप नहीं हो सकता है क्योंकि ये इतना बड़ा स्टेट है, चारों तरफ बॉर्डर है, ऐसा स्टेट एकमात्र त्रिपुरा है। आज प्रधानमंत्री जी ने सब खोल दिया, बांग्लादेश के साथ अच्छा संपर्क बना के दोनों देश के प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा के तीन तरफ जलपथ खोल दिया है और पांच तरफ रोड का रास्ता खुला है। आगे त्रिपुरा में एक ही था लाइफलाइन नेशनल हाईवे जो कि NH-8 है जी, एक ही था, उसमें लैंडस्लाइडिंग हो गया तो त्रिपुरा के लोग दो महीने तक बैठा रहता था, क्या होगा क्या नहीं होगा कौन बचाएगा, पर अभी चारों तरफ से उन्होंने खोल दिया, कोई भी रोड बंद हो तो दूसरा खुला है, तीसरा खुला है, पांचवा खुला है, सात तरफ से खोल दिया त्रिपुरा को। कभी लोगों ने कभी सोचा ही नहीं जी ये हो सकता है। तो उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया और रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है। तो डबल इंजन होने के कारण से ये सब हुई है, अपने देश में ही जो हम रिफ्यूजी हो गए सबसे बड़ा लंबे समय की ये ब्रू शरणार्थी वाला ही है केस है। अरे कहीं सुना आपने 23 साल तक अपने देश में रिफ्यूजी बन के रहता है, कैंप में रहता है, उनका लाइफ नहीं है, पढ़ा बच्चे बड़ा हो रहा है उसका वोटर आई कार्ड नहीं है, उसको स्कूल नहीं है, उसके कॉलेज नहीं है, अनपढ़ गबड़ बन रहा है और इनको सिर्फ खाना दे रहा है हम। और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी ने उसमें हाथ लगाया और लगा के 23 साल के ये मानविक जो दीख है इस सरकार की और केंद्र सरकार की उसको प्रमाणित किया है। और ये इतिहास है, आज 36,000 लोगों का लाइफ अपना लाइफ बन गया, एक तरफ इंडस्ट्री, एक तरफ टूरिज्म, एक तरफ इकोनॉमी और एक तरफ मानवीय। सरकार वही होता है जो कि ग्रोथ के साथ उसको मानवीय होना चाहिए। उनाकोटी और डंबूर लेक वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं वेयर कल्चर मीट्स नेचर, नेचर मीट्स कल्चर, तो उसके लिए क्या प्लान्स हैं आपके? देखिए उनाकोटी ऐसा एक जगह है, बहुत सुंदर है, इसमें एक कम एक करोड़ की देव देवता के वास है। इसमें आप जब देखेंगे पहाड़ में पत्थर में शिव का अलग अलग रूप है, रुद्र रूप कैसा होता है, शिव जी ध्यान करते समय उनका रूप कैसा होता है, हर देव देवता का ऐसे बनी हुई है आपको। तो उतने पुराने और इसको बनाना ये हमारे देश के और विशेष करके त्रिपुरा के स्थापत्य चित्रकला और हमारे व्यवस्था का और हमारे विश्वास का संस्कृति का निदर्शन है जी। तो इसको सही ढंग से प्रस्तुत नहीं की गई थी। आज उनाकोटी के बारे में लोग जानता है, लोग जाता है देखने के लिए। थाईलैंड के प्रिंसेस आई थी, उन्होंने खुद फोटोग्राफी की, बोले मुझे ऐसा सुंदर दृश्य और इस तरीके से पहले मालूम क्यों नहीं चला। तो ऐसा निदर्शन है वो, उसको हम डेवलप कर रहे हैं, उसके पास भी होटल की व्यवस्था कर रहे हैं, उसको रोड को डेवलप कर रहे हैं, टेंडर हो चुकी है। क्योंकि आपके पहला तो ट्रांसपोर्टेशन, आपका रोड अच्छा होना चाहिए जाने के लिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, रहने का बंदोबस्त होना चाहिए। और जाने का हमने कोयला शहर का जो एयरपोर्ट उसको डेवलप कर दिया, वो बंद पड़ा हुआ था, हमने केंद्र सरकार से बात करके कोयला शहर एयरपोर्ट को हमने हेलीकॉप्टर हो छोटे प्लेन उतारने के बंदोबस्त कर दिया है, वो बन चुका है, ओके है। तो ये सब पहले नहीं थी, ये तो ऐसा ही पुराना एयरपोर्ट पड़ा हुआ था, इसको हमने डेवलप कर दिया, तभी तो लोग जाएंगे वहाँ। और साथ ही साथ डुम्बूर लेक जो बोल रहे हैं, जो वाटर बॉडी, इतना सुंदर वाटर बॉडी डुम्बूर लेक का, बेहतरीन वाटर बॉडी है, उसमें छोटे छोटे द्वीप हैं, इसको हम टूरिज्म डिपार्टमेंट से डेवलप कर रहा है, उसके रहने का बंदोबस्त, उस बोटिंग करके वहाँ जाए, बोटिंग करे रहे, तो ऐसा वहाँ लाइट शो हो, उसमें जो नारकेल कुंज है उस नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ के खाए, वहाँ रहे, नारियल पानी पिए, और रात को इतना बड़ा वाटर बॉडी है, लाइट शो जो होगा देखने लायक होगा,
उस दिशा में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हेलीपैड हम तैयार कर रहे हैं, एक द्वीप में अलग छोटा सा द्वीप, उसमें हेलीकॉप्टर उतरेगा, उतरने के बाद बोट करके आपने मेन द्वीप में जाएंगे और उसके बाद आप रहिए वहाँ 2-3 दिन, आराम से घूमिए परिवार के साथ। चारों तरफ आपको इतना सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखेगा और शुद्ध जो ऑक्सीजन आपको मिलेगी। और मैं आशा करता हूँ आगामी दिन में हम लोग जो जो प्रोजेक्ट लेके रखे हैं ये खूब कम समय में, 1-1.5 साल में ये कंप्लीट हो जाएगी, तो त्रिपुरा में बड़ी मात्रा में भारत के विभिन्न प्रांत से लोग आएंगे और हमको इनको सेवा करने का मौका मिले। तो ये थे त्रिपुरा के यंग एंड डायनेमिक चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देब। बिप्लब का जैसे मतलब मैंने आपको बताया रेवोल्यूशन, और निश्चय ही एक रेवोल्यूशन लेकर आए हैं त्रिपुरा के टूरिज्म और कल्चर सेक्टर के अंदर। और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग त्रिपुरा आएंगे, ना सिर्फ भारत से बल्कि साउथ ईस्ट एशिया से भी, क्योंकि त्रिपुरा का कनेक्शन साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी है। विशाल बेरिस्टो, DD न्यूज़, अगरतला। महात्मा के मंत्र। स्वच्छता में ईश्वर